अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। ये कोई गलत फहमी नहीं है, उन लोगों का प्लान बहुत बड़ा था। मैं तुम्हारे अबू को अच्छी तरह जानती हूँ, वो अब जो कुछ भी कर रहे हैं ना, बहुत बुरा कर रहे हैं। सामिया कह रही थी कि वो सारा को लेके यहाँ आ रही है, अब वो उसे नहीं रख सकते। मतलब ये क्या जासूस तूने मेरे सामने छोड़ दिया है? हर वक्त मेरे पीछे 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 फिरता रहता है, हर वक्त मुझे नजरों से देखता है। नहीं, उन्होंने तो कोई बात नहीं करी, लेकिन तुम्हारी खाला बता रही थी कि तुम्हारे खालू घर से नाराज होकर चले गए। क्यों पापा? मुझे नहीं पता बेटा इस बात का, लेकिन समिया चाह रही है कि अब सारा यहीं रहे तुम्हारे साथ। और पापा आप क्या चाहती हैं? देखो सबा बेटा, मैं तुम तीनों बहनों को दिल से चाहती हूँ, लेकिन सब में बैठ कर जो बात हुई थी ना, उसकी तो खिलाफ वर्जी है ये। मैंने इस मौजू पे तुम्हारे पापा से बात की है, वो तो इतने अच्छे इंसान हैं कि उन्होंने फौरन कह दिया कि हाँ हाँ सारा को भी यहाँ रख लो। नहीं पप्पो, मैं मुनासिब नहीं समझती कि सारा यहाँ आकर रहे। मेरी गुड़िया देख, कल मैं नहीं आई थी, तूने मुझे याद किया था? आपको पता है चाचा और चाची का कल झगड़ा हुआ था मेरे देर से आने से। अच्छा, तुझे मारा तो नहीं था? नहीं, मेरी गलती हो गई, तेरी चाची मेरा फोन ही नहीं उठा रही थी। आप घर में जाइएगा, चाची बहुत गुस्से में है। क्या मैं तुझे अच्छी नहीं लगती हूँ? मैं बुरी हूँ? अच्छी नहीं लगती ना तुझे? आप मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन आपका काम अच्छा नहीं लगता। काम अच्छा नहीं लगता? बुढ़िया तू कहे ना तो मैं ये काम ही छोड़ दूं, लेकिन तू मेरे साथ रहेगी? और चची? उसे मैं खुद ही बात कर लूंगी तेरी चची से। चलो अच्छा, जो तुझे चीज लेनी है ना, मैं खुद ही से पैसे दे दूंगी। चल मैं तुझे दिलाऊं, जो तुझे चाहिए ना उठा लेना, ठीक है? अब्बास, क्या हाल है? हाय 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 हाय, क्या हुआ? खैरियत? सबा से बात हुई? वो नहीं मान रही। मना कर रही? क्यों भाई, क्या कह रही? बताती कहाँ है वो कोई बात। भाई मेरा ख्याल है कि उसे मना नहीं करना चाहिए, उसे तो खुश होना चाहिए कि अगर दोनों बहनें साथ रहेंगी तो इससे शानदार बात क्या हो सकती है। पता नहीं उसे क्यों नहीं समझ में आ रही है ये बात, बस मना कर रही है। मैं तो कहता हूँ कि इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है कि सारा यहाँ कर रहा है। सारा यहाँ कर रहेगी तो रिश्तेदारों का हरजाईपन और बेवफाइयां सब निकल के सामने आ जाएंगी। तुम तो फुप्पी हो, फिर तुम्हारा डंका बजेगा। और एक इनको देखो, रिश्तेदारों लालची, निकट्टू, कठोर, पैसे की हाय हाय लगी हुई है, बच्ची को रखने से इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जुबैर, अगर सब मना भी कर रही है तो क्या है, हम जाकर बच्ची को ले आते। ये हुई ना बात, वेरी गुड। देखो अगर हम हैं तो बच्चियां हैं, अगर सबा हाँ कर देगी तो ज्यादा मुनासिब हो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिक्र ना करो, जुबैर इन तमाम मसलों का हल कर दे, बेफिक्र हो जाओ तुम, ठीक है ना? लेकिन तुम भी मेरा एक मसला हल कर दो, सर में शदीद दर्द है, चाय पिलाओ। चल आज अभी बनाती हूँ। आपा मुझे पता है नौरीन की तबीयत का,
उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह घर छोड़ के कैसे चली गई वो? आपको पता है अजहर उस पर बहुत गुस्सा है, वो नहीं आएगा उसे लेने के लिए। आप एक काम करें, उसे भेज दें। अरे ऐसा कुछ नहीं कहा उससे किसी ने, बस आप उसे समझा दीजिएगा कि आइंदा ऐसा ना हो। अच्छा आपा, मैं आपसे फिर बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अजहर, नौरीन की अम्मी से बात कर रही थी, तुम नहीं गए उसके घर पर? नहीं अम्मी, मैं अब्बू के पास गया था। और प्लीज, आपको नौरीन के बारे में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, और मैंने सोच लिया उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, और वैसे भी आपको उनके घर वालों से ज्यादा बात करने की अब कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ना, छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ तुम्हारे अब्बू नहीं आए तुम्हारे साथ? अम्मी अब्बू की वही बात है, और वैसे भी जब तक अब्बू की बुरी आदतें नहीं छूट जाती ना, हम लोगों की जिंदगी में सुकून नहीं आएगा। अरे उन्हें घर तो ले आते, तुम्हें पता भी है उनकी जान को खतरा है, और वैसे भी मुझे तुम्हारी तरफ से भी बहुत टेंशन रहती है, तुम अपना भी ख्याल रखा करो। अम्मी अब घर से तो निकलना पड़ेगा ही, और जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ हैं मैं सलामत ही रहूँगा। और मेरी वैसे भी नबील अंकल से बात हुई है, वो अब्बू को समझा रहे हैं, आप परेशान ना हो, अब्बू आ जाएंगे। वैसे अम्मी एक बात कहूँ, अब्बू अगर कुछ दिन घर से बाहर ही रहे ना तो अच्छा ही रहेगा। अजहर भाई जी। सारा, वो अगर आपको ऐसा लगता है कि नौरीन भाभी मेरी वजह से गई हैं तो मुझे माफ कर दें। अरे नहीं सारा, कैसी बातें कर रही हो, माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा वक्त इस घर में अच्छा नहीं गुजर रहा। नहीं अजहर भाई, ठीक हूँ मैं। ठीक है सारा, तुम्हें कोई भी मसला हुआ करे तो मुझे बताया करो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। वो अजहर भाई, आप मुझे आप ही के पास छोड़कर आ रहे हैं? सारा, घर के हालात तुम्हारे सामने हैं, मैं बहुत जल्द तुम्हें उनसे मिलवा कर ले आऊंगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैंने कहा था कि आप मुझे कल वहाँ पर छोड़कर आ जाएं, मैंने खाला को भी बोला था। सारा मत सोचो ऐसा, मेरी बात मानो, तुम कॉलेज में एडमिशन ले लो, तुम्हें किसी की भी बात पे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बता दो अगर तुम्हें कोई मसला है, परेशान मत हो। हाँ हो गया है तुझे, इतना गौर से मुझे देख रहा है, रात तक तो पूछता भी नहीं मुझे, आज सुबह सुबह सामने आकर खड़ा हो गया। देख रहा हूँ तुझे, तेरी हरकतें बदल रही हैं, काम से गायब रहने लगी है तू, और पैसे भी कम मिल रहे हैं। अच्छा ये बता, वो बच्ची के साथ तेरा क्या चक्कर है? देख शौकी, मेरी बात सुन, ये जो तू खामखाई के शक वक करता है ना, ये शक करना छोड़ दे। वो बच्ची मुझे काम के लिए मिली है, अगर तू ऐसे ही मेरे आगे पीछे फिरता रहा ना तो वो बच्ची भी चली जाएगी। बस तेरे दिल में जो है मुझे वो बता दे बस। उस दिन मैंने बोला कि बच्ची को मेरे हवाले कर दे तो तूने मना कर दिया,
चाहता तो मैं जबरदस्ती भी कर सकता था। चल मैंने मान लिया तेरा कहना, लेकिन अब तू उस बच्ची के साथ दुकान पर क्या कर रही थी? उसको चीजें दिला रही थी, किसके पैसे लुटा रही थी? देख ज्यादा नहीं बोल, ज्यादा नहीं बोल। तू जितने पैसे बोलता है ना, तुझे उतने मिलते हैं ना? किस किस के सामने जाकर मैं हाथ फैलाती हूँ? बाकी बच्ची को चीज लेकर देना ये मेरा काम है, मैं अपने पैसों से लेकर देती हूँ। तेरे पैसों से नहीं लेकर देती, तुझे तो पूरे पैसे देती हूँ। ना ना ऐसा नहीं बोलते, जो तू कमाती है उस पर मेरा हक है। अगर ये हक नहीं मानेगी ना तो शौकी को दूसरा तरीका आता है मनवाने का। अब कान खोल कर सुन, अब उस बच्ची को लाकर मेरे हवाले कर दे, मैं भीख मंगवाऊंगा उससे। ज्यादा रिश्तेदारी बढ़ाने की जरूरत नहीं है उसके साथ। क्या देख रही है इस तरह? तेरी आंखें फोड़ दूंगा, फिर इन आंखों से किसी को देखने के काबिल भी नहीं रहेगी और भीख भी ज्यादा मिलेगी। फिर नौरीन, आ गई, गुस्सा ढल गया तुम्हारा? अम्मी ऐसे तो ना बोलें, मेरी कोई गलती नहीं थी, बस थोड़ा गुस्सा आ गया था मुझे। ऐसा भी क्या गुस्सा भाई, किसी की नहीं मानी, बैग उठाया और सीधा घर से बाहर। तुम्हें पता भी था नौरीन के घर के क्या हालात चल रहे थे उस वक्त? तुम्हें पता है नौरीन, इन्हीं गलतियों की वजह से घर टूट जाया करते हैं। अजहर को शदीद गुस्सा है तुम पर, उसने तो साफ मना कर दिया था कि कोई भी तुम्हें फोन ना करे। वो तो पता नहीं अल्लाह ने मेरा दिल कैसा बनाया है कि मैंने तुम्हारी माँ को फोन कर दिया। अम्मी ने भी बहुत डांटा है मुझे, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं डांट सुनने के लिए ही रह गई हूँ। फौरन भाई के साथ भेज दिया, एक बात नहीं सुनी मेरी। और वैसे अम्मी, अजहर को तो इतनी तौफीक भी नहीं हुई कि मुझे एक फोन ही कर लेता। शाबाश, गलती भी तुम्हारी अपनी है और फोन भी अजहर करे। अगर बीवी हो ना तो बीवी बनकर दिखाओ, उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करो। अब जाओ अजहर से जाकर माफी मांगो, और अगर इस घर में रहना है ना तो अपने तौर तरीके सही करो। जाओ। लौट के बुद्धू घर को आए। अच्छा तो सारा को पढ़ाया जा रहा है, क्या हुआ सारा? तुम क्यों जा रही हो? धरी रुको, देखो तुम्हारे भाई मुझसे नाराज हैं बहुत। मानती हूँ मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था, गलती हो गई मुझसे। अजहर एक नजर देख तो लो मेरी तरफ, तुम ही बता दो मैं कैसे मनाऊं तुम्हें। क्यों आई हो, आने की क्या जरूरत थी? अपनी मर्जी से गई थी ना तुम, आना तो तुम्हारी मर्जी नहीं था ना। ये मेरा घर है अजहर। अपना घर होता ना तो ऐसे छोड़ के नहीं जाती। गलती हो गई है मुझसे, बाहर अम्मी से भी माफी मांग कर आई हूँ और यहाँ तुमसे भी माफी मांग रही हूँ। इससे ज्यादा और क्या करूँ, तुम बता दो। अजहर भाई, भाभी को माफ कर दे। अजहर अब तो सारा ने भी बोल दिया है। सारा, मैंने वाकई तुम्हें बहुत मिस किया वहां पर। मैं यहाँ से गुस्से में चली तो गई थी, लेकिन वहां जाकर ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। ठीक है भाभी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अब ऐसे ही मुंह फुला के खड़े रहोगे क्या? तुमने फोन तक नहीं किया मुझे, तुम्हें पता है मैं कितना इंतजार कर रही थी और फोन बार बार देख रही थी कि तुम एक कॉल करोगे, एक मैसेज करोगे।
लेकिन तुम तो बहुत पत्थर दिल हो। नौरीन, जो तुमने किया है ना, मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था तुम्हें घर बुलाने का। अजहर, अब तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी, अपनी मर्जी नहीं चलाऊंगी मैं। देखो, मैं कान पकड़ कर सॉरी बोलती हूँ, तो माफ कर दो। भाई, आपके चेहरे से जो लग रहा है ना, खुशी की अलामत वैसी ही फूट रही है। हुआ यह है कि जहूर भाई ने अपने खुसूसी ताल्लुकात इस्तेमाल करके पैसे रिलीज करवा लिए। अब तुम्हें और सभा को जाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना? दो एक दिन में पैसे मिल जाएंगे। शुक्र है, बच्चों को उनका हक तो मिला। हाँ, लेकिन अब किसी को भनक नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हें तो पता है, लालची रिश्तेदार दौड़े चले आएंगे। नहीं नहीं जुबैर, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हाँ भाई, वो जरीना की कॉल आई थी, हारिस के साथ आ रही है। तुम कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं दिखा रहे? भाई दिखाना तो है, शादी जो करनी है माशाल्लाह। सुबैर, अब तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि सबा का रिश्ता हारिस से तय कर देते। यकीन जानो, बहुत परेशान करके रख दिया है मुझे इसने। शुक्र है समीना बेगम, इसका मतलब है कि आज दो खुशखबरियां मिली हैं, एक तो पैसे की और एक तुम अब मेरी बात समझ गई हो। जो मैं कहना चाहता था अब तुम्हारी अकल में आई है। भाई हारिस अपना बच्चा है, घर की बात है, ज्यादा हुआ तो घर दामाद रख लेंगे उसे। अब बस भी कर दो जुबैर। अच्छा हाँ, जिस दिन जरीना और हारिस आए ना, उस दिन सभा की छुट्टी करवा देना, कहीं जाने नहीं देना उसे। मेरी कोई बात बांधती है वो? कुछ भी बोलो, चिढ़ने लग जाती है। तो ठीक है, इसका भी एक हल, इतवार को बुला लेते हैं, फिर कहाँ जाएगी। शुक्र है अजहर मान गया, वरना पता नहीं क्या होता। सारा आओ बैठो ना। वो नौरीन भाभी, आप ये मत समझेगा कि मैं आपको गलत समझती हूँ, और अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई गलत फहमी है तो निकाल दें उसको। नहीं नहीं सारा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है तो दिल की भड़ास निकल जाती है, वरना तुम्हारे लिए मेरे दिल में कुछ भी बुरा नहीं है। नौरीन भाभी, अब आपको मेरी तरफ से कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। अब क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? मैंने खाला से बात की है कि वो मुझे सब आप ही के पास छोड़ आए, मैं पप्पो के घर पर ही रहूँगी, फिर आपके घर में कोई भी झगड़ा नहीं होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब सुकून से रहेंगे और खालू भी वापस आ जाएंगे। तो क्या अम्मी तुम्हें छोड़ कर आ रही है वहाँ पर? अभी मैंने बोला है उनको, अजहर भाई को भी बोला था, लेकिन वो तो मना कर रहे थे। सारा, ये अच्छी बात तो नहीं है, मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे जाने का सुन के, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही करो, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे तुम्हें वहीं रहना चाहिए, है ना? अच्छा सारा, मेरी बहुत इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, मैं तुमसे बात करती हूँ बाद में। हाँ हेलो अब्बू, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये क्या किया तुमने? तुम भी घर से चली गई थी, कुछ तो होश से काम लेना चाहिए था तुम्हें। अरे नालायक ही है तुम्हारी ये भाई। अब्बू मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे एहसास हो गया था अपनी गलती का आपसे फोन पे बात करके। बस बस, देखो तुम्हें घर पर रहना है, जो मैं कह रहा हूँ उसको गौर से सुनो और वही करना है। नजर रखनी है तुम्हें घर पर और घर के लोगों पर। कुछ दिन मैं नहीं आऊंगा। चल तो बहुत कुछ रहा है अब्बू, आपको पता भी है सारा घर छोड़कर जा रही है, और उसने इस बारे में अम्मी से बात भी कर ली है। नहीं नहीं, ऐसे जाने मत देना उसको। अरे भाई, ये तो हमारा तुरुप का पत्ता है, ये कैसे हाथ से जाएगा हमारे? अरे करोड़ों का फायदा है इसमें, और मेरा ही क्या, सबका है, तुम सबका फायदा है।
वो कैसे अब्बू? अरे समझो, इसका जो हिस्सा मिलेगा ना हमें, वो करोड़ में मिलेगा, करोड़ में। ये तो है, इसीलिए कह रहा हूं मैं, उसको घर में रखना बहुत जरूरी है, समझा? ठीक है अब्बू, मैं समझ गई, लेकिन आप कब आएंगे घर वापस? आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। जी अब्बू, पूछें। अच्छा, वो तुम्हारे अब्बू के जाने वाले वो जो खावर की कंपनी में है ना, उनका नंबर चाहिए मुझे। पता नहीं अब्बू, मुझे तो पूछना पड़ेगा। अरे मुझे याद है भाई, वहीं काम करते हैं वो, उनका नंबर लेके दो मुझे अब्बू से अपने। वो क्यों अब्बू? अरे कंपनी से तो पैसे मिलने हैं ना, पूरे 20 लाख, तो पता तो चले ना कि कब मिलेंगे भाई। ठीक है अब्बू, आप फिक्र ही नहीं करें, मैं आज ही अब्बू को फोन करके नंबर ले लेती हूँ, बल्कि अगर फायदे की बात है ना तो मैं अभी फोन कर लेती हूँ उन्हें। हाँ हाँ, अभी फोन करो, बहुत जरूरी है, पैसों का मामला है, करोड़ों रुपए, और घर पर अच्छी तरीके से नजर रखो। जी जी बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र ही नहीं करें। ठीक है अब्बू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कैसे जाएगी सारा? सारा घर से हेलो मिस्टर अरसल, आप क्यों कर रहे हैं कॉल मुझे बार बार? मैंने शुमाइला से बात कर ली थी, मुझे आपकी कंपनी के साथ अब कोई काम नहीं करना है। जी मुझे आपसे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अपने इनकार करने का हक तो इस्तेमाल करूंगी ना। जी, और आपके जो 50,000 रुपए हैं वो भी मैं वापस कर दूंगी। सबा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी पप्पो। वो मैं ये कह रही थी कि संडे को घर पर ही रहना। क्यों? जरीना आप आ रही है ना, इसलिए तुम घर पे होगी तो वो तुमसे भी मिल लेंगी। मुझसे क्यों मिल लेंगी? वो मेहमान है, जुबैर की बहन भी है, इसमें अनोखी बात क्या है? तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं? पप्पो आप मुझे मत समझाएं प्लीज, मैं बच्ची नहीं हूं। अच्छा तो तुम बड़ी हो गई हो, फिर तो हमें तुम्हारी फिक्र करनी चाहिए, और जो तुम समझ रही हो ना वो इसीलिए आ रही है। मैंने सबक को बोल दिया है कि वो संडे को घर पर ही रहे। संडे को पता है कि वो घर पर होती है, अब अगर उसे पता चल गया तो कोई संडे को कोई गड़बड़ ना कर दे। नहीं करेगी, अगर करेगी ना तो मैं खुद निमट लूंगी उससे। भाई कैसे निमट लोगी? जुबैर मैंने फैसला कर लिया है कि सबक की बात हारिस से पक्की कर देते हैं। मुझसे ना सबक की ये हरकतें और बर्दाश्त नहीं हो रही। पप्पो अगर आप लोगों ने फैसला कर लिया है तो मुझे भी मेरी मर्जी करने का पूरा हक है। अब आप ठीक हो गई हैं तो मैं जा रही हूं घर छोड़ के, मैंने फैसला कर लिया। सबा आखिर तुम्हें क्या हो गया भाई, ऐसा क्या तुम्हारे जहन में चल रहा है? इतनी बड़ी बात तुमने आसानी से बोल दी। उस दिन भी मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारे सामने की बात है,
कि अगर मेरा कोई कसूर है तो उतारो अपने जूते और मेरे सर पे मारो जितना मारना है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसलिए कर रहा हूँ समीना कि इसके दिल को सुकून मिल जाए, इसको हम पर तरस आ जाए। पप्पू आप मुझे गलत मत समझिएगा। किसने गलत समझा है तुम्हें? बोलो ना, किसने गलत समझा है तुम्हें? तुम खुद अपने साथ गलत कर रही हो, खुद अपने साथ गलत कर रही हो। मैं गलत नहीं कर रही हूँ अपने साथ। सबा बस कर दो, बस कर दो। तुम जब चाहोगी अपने पप्पा की बेइज्जती कर दोगी। तुम्हें पता भी है कितनी कुर्बानियां दी है इन्होंने, कितनी मुश्किलें झेली है तुम्हारे लिए। मैं ये बात कहना नहीं चाह रही थी लेकिन अब करनी पड़ेगी। खावर और सुल्ताना की वफात के बाद पूरा घर इन्होंने संभाला, सबने हाथ खड़े कर दिए थे। पूरा खर्चा जुबैर ने किया है, किसी ने एक टका नहीं खर्च किया। तुम तीनों बहनें तो सदमे में थी। क्या किया है तुम्हारे पप्पा ने तुम्हें कुछ नहीं पता। पप्पो इस सब का मेरे जाने से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है इसलिए कि तुम मुसलसल मेरे सामने इनकी बेइज्जती कर रही हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है पप्पो। साफ नजर आ रहा है, ख्याल करो उनकी कुर्बानियों का, वरना दर बदर ठोकने खाती फिरती। तुम्हें पता है कि जफर और आमना तुम्हारी बहनों को रखने के लिए तैयार नहीं थे, छोड़कर जा रहे थे, और तुम हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो। पप्पो गलत समझ रही हैं आप। तमाशा लगा के रखा हुआ है, तानों के तीर बरसा रही हो हम पर। बस कर दो समीना, कोई फायदा नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी उल्टी। इसे क्या परवाह, कल की मरती आज मर जाऊं मैं, बस इसे तो जाना है। सब हमारे एहसानों का ये बदला दे रही हो तुम, ये क्या गुल खिला रही हो? एक बात और बताऊं मैं इसकी, ये हमसे पूछे बगैर नौकरी के लिए अप्लाई कर चुकी है। इसे तो अपनी बहनों का भी ख्याल नहीं है, हमारा ख्याल क्या करेगी? समीना समीना बस करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो मुझे ही देखना पड़ेगा। हमारी जिंदगी में यही है, मुझे कुछ हो जाए तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम्हें कुछ हो जाए मुझे कुछ देखना पड़ेगा, और किसी को कोई दिल पर जब नहीं पड़ती भाई। छोड़ो, जो जा रहा है जाने दो। जाओ जाके पानी पियो या मैं ला दूं। ओ महारानी, क्या मिला तुझे मेरी शिकायत लगा के? दो दिन से तेरा चाचा मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने सब कुछ संभाल लिया, वरना तेरा चाचा तो दो दिन तक मुंह बनाए फिरता रहता। खड़े खड़े क्या कर रही है? देख घर कितना गंदा पड़ा हुआ, कोने कोने से झाड़ू निकाल। और मैं जा रही हूं बाहर मोहल्ले में, जब आऊं ना तो सारी सारी सफाई होनी चाहिए। चल जा बाहर जाके से इनकी झाड़ू लगा। ठीक है चाची। तो चाची की बच्ची, चल जा जाके झाड़ू लगा।